नहीं देखिए ये तो बात अगर आप देखें तो बीजेपी जितना हमें टारगेट कर रही है उनके मन में डर बैठा हुआ है कि इंडिया भी जीत रही है। उनका उनका जो उनकी नफरत है वो भारत से, उनकी नफरत इंडिया से, उनकी नफरत हमारे देश के संविधान से है और वो हमें हम उन्हें जीतने नहीं देंगे। आप लोगों की मीटिंग को जैसे अनाउंस हुआ, महायुति ने अपनी बैठक अनाउंस की और आप लोगों की मीटिंग पर सवाल खड़े कर रही है कि पैसे खर्च किए जा रहे हैं। नहीं नहीं क्या महायुति, ये तो सारे डरपोक लोग साथ में आए हुए हैं जो ईडी को डर रहे थे, एनआईए को डर रहे थे, ये सारे लोग एक साथ अगर आप देखें तो महाराष्ट्र को पीछे लेके जा रहे, तो हम उनके और ध्यान नहीं देखे। अगर आप देखें तो आज किसान त्रस्त है, आज महिलाओं की आवाज कोई सुन रहा नहीं, उनके लिए हम लड़ रहे हैं। आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड फ्रॉम उद्धव जी वेरी क्लियरली यस्टरडे दैट वी हैव मेनी चॉइसेस। यू हैव अ कंट्री ऑफ 120 क्रोर पीपल, द बीजेपी हैज नो चॉइस बट वी हैव मेनी चॉइसेस फॉर द पीएम फेस। कन्वेनर या अध्यक्ष काही नाही बोलत, काही काही व्यक्तींना काही बोलायचं कन्वेनर या अध्यक्ष स्वागत झाली अशा पद्धतीने। आम्ही स्वतः दोनदा किंवा तीनदा राम मंदिराच्या तिथे गेलेलो होतो, पहिली मागणी ही उद्धव साहेबांनी केलेली, पहिले मंदिर फिर सरकार हे आम्ही सांगितलं होतं। भाजपचं शून्य श्रेय राम मंदिर आपल्या देशात आणण्यासाठी जो निकाल आला तो सुप्रीम कोर्टाचा आला, त्याच्यात केंद्र सरकारचा काडी मात्र संबंध नव्हता। कन्व्हेनर या अध्यक्ष होगा, कन्व्हेनर या अध्यक्ष का पद होगा या कई कोऑर्डिनेटर्स होंगे, क्या होगा? हम देश की आवाज आगे लेके जाना चाहते हैं, ये संविधान की तरफ हम लेके जाना चाहते हैं। अगर आप देखें तो हमारे संविधान के लिए हम लड़ रहे हैं, हमारे देश के लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। ये जो आप विषय निकाल रहे हैं कन्वीनर हो या कोई हो, इसमें दिलचस्पी किसी को नहीं है, हम देश की आवाज सुनना चाहते हैं, देश की आवाज वह पार्लियामेंट में लेके जाना चाहते हैं। आप लोगों के जो भी विचार थे, जो विचारधारा थी, उस पर अब उद्धव ठाकरे ग्रुप पर आरोप किए जा रहे हैं शिंदे गुट की तरफ से कि आप लोगों ने विचारधारा छोड़ी। देखो गद्दार गैंग को जिस लेवल पे रहना उस लेवल पे रहने दो, ये इंडिया की मीटिंग है, मुझे नहीं लगता कि उन पे ज्यादा फोकस करके उनको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। मैं उनको इम्पोर्टेंस नहीं देता, ना जनता देती है ना महाराष्ट्र देता है। गद्दार ये गद्दार रहेंगे और उनपे आज हम कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये देश की मीटिंग है, जो बोलते रहे वो बोलते रहे। Every party that loves our country, every party that is patriotic, every party that believes that the constitution of India and democracy must remain as it is, will join the India Alliance. This alliance is of all the people of India, irrespective of caste, creed, religion, region, state, because we are coming together to keep the beauty of our democracy and our constitution.